तस्वीरों को देखिए। ये पाकिस्तान में स्थित करतारपुर साहिब गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं, जहां महज 5 महीने पहले रेनोवेट किए गए गुरुद्वारे के 2 गुंबद तेज हवा और बारिश में क्षतिग्रस्त होकर दूर जा गिरे। गुरुद्वारा दरबारपुर साहिब के क्षतिग्रस्त गुंबद देखकर सिखों में जबरदस्त रोष है। आखिर पाकिस्तान ने गुरुद्वारे के गुंबद सीमेंट और कंक्रीट से बनाने के बजाय टेम्परेरी फाइबर से क्यों बनाए? आमतौर पर इस फाइबर मटेरियल का इस्तेमाल टेम्परेरी फिल्मी सेट्स बनाने पर किया जाता है। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने पिछले साल करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में जबरदस्त हिंडोरा पीटा था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि इस करतारपुर साहिब कॉरिडोर के निर्माण और गुरुद्वारे के रेनोवेशन में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने 9 नवंबर को इसका उद्घाटन भी किया था, लेकिन 6 महीनों के अंदर ही पाकिस्तान के दिखावटी रंगों को थोड़ी सी बारिश ने धोकर रख दिया। साफ है कि इस गुरुद्वारे के निर्माण में एक बड़ा घपला किया गया। कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने चंद पैसे बचाने के लिए सस्ता बिल्डिंग मटेरियल इस्तेमाल किया, बाकी पैसा पाकिस्तान ने सिखों का हमदर्द बनने के लिए मार्केटिंग पर खर्च कर दिया। वजह चाहे जो भी हो, आज पाकिस्तान पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। सिखों के प्रति उसकी हमदर्दी दरअसल झूठी है, वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर होती है। बहरहाल भारत सरकार को इस घटना के बाद आगे आकर खुद गुरुद्वारा दरबार साहिब के भव्य रेनोवेशन की पहल करनी चाहिए।